न चोर हार्यम न च राज्य हार्यम न प्रातृभाज्यम न च भारकारी वये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधने प्रधानम। हमारे यहाँ कहा गया है और कितने पुराने समय में बात कही गई है कि विद्याधन ये सर्वधनों में प्रधान धन है, क्योंकि वो एक ऐसा धन है जिसे चोर चोरी नहीं कर सकता। ये ऐसा धन है जिसे अपने भाई भतीजे बहन कोई बांट नहीं सकता, ले जा नहीं सकता है। और ये एक ऐसा धन है जिसको कैरी करने के लिए कभी साथ में लोडर नहीं रखना पड़ता, वेटर नहीं रखना पड़ता, इसका कोई बोझ नहीं होता है। यानी हमारे यहां शास्त्रोक्त दृष्टि से ज्ञान को विद्या को कितना महात्म्य दिया गया है। इट इज इवन मोर अनफॉर्चुनेट इवन आफ्टर 65 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वी हैव नॉट बीन एबल टू फोकस ऑन एजुकेशन। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल्स प्रोग्रेस, नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, बट ऑल्सो फॉर नेशन बिल्डिंग। Thus, we have to renew our commitment towards education. We have to commit ourselves to educate every child, whether a boy or a girl. We have to commit that we will not be behind any other country in terms of coverage in or in quality in this sector. This era is an era of knowledge. Knowledge is going to be the biggest wealth with the citizens and the nations. This is also the most potent tool for fighting poverty. There is no reason why India should lag behind. We have the brightest mind. We have a number of philanthropists. Why should we there be only a few SRMs? Why such institution cannot be established at every nook and corner of this country? It is just a question of providing an enabling environment. The private enterprise is more than eager to enter into this field. I am personally quite convinced that we should give them a free hand. But I also believe that to make the beginning and to make it big and impressive, institution building has to begin with government. That is why I recently said that it is our commitment to establish an IIT, IIM, and aims in every state of our country. We are the youngest nation for the world. Just the population of our youth will be more than the population of whole Europe. In a few years from now, India will add another America in its population. We call it demographic dividend. However, it is a dividend provided we educate, train, and put this resource at work. It is so sad to listen that none of our universities have global ranking. What is lacking with us? We have to identify and work upon it. The universities like SRM have started this process.
Your efforts in this direction have proved that it is doable. You have proved that it is possible to set up and run global institutions in India. भाइयों बहनों, हम जब डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, कितने गर्व की बात है कि हम उस युग में जी रहे हैं जब भारत दुनिया का सबसे जवान देश है। हम इस युग में जी रहे हैं जब हिंदुस्तान के 65% पॉपुलेशन इज बिलो 35। कितना सौभाग्य हमारा अगर इन बूझाओं में हुनर हो, इन नौजवानों को अवसर हो। मैं विश्वास से कहता हूं भाइयों, जो 60 साल में हम नहीं कर पाए वो 60 महीनों में कर सकते हैं। अगर हमें इतना डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो भाइयों बहनों, तीन बातों पर अगर हम बल दें, हम दुनिया की किसी भी महाशक्ति की स्पर्धा करने के लिए तैयार हो सकते हैं। एक है स्किल, स्किल डेवलपमेंट इज अ नीड ऑफ द आवर। आज हाथ में डिग्री होने के बाद भी अगर स्किल नहीं है तो रोजगार नहीं मिलता है। मुझे दादा धर्माधिकारी एक बहुत बड़े चिंतक थे, उनकी कथा याद आती है। एक बार एक नौजवान दादा धर्माधिकारी के पास गया था और वो कहता था, मैं कुछ काम करना चाहता हूं, मुझे अगर कहीं काम मिल जाए तो आप मदद करें तो अच्छा होगा। तो उन्होंने उसे पूछा कि तुम क्या करते हो, तो उसने कहा मैं ग्रेजुएट हूं। उन्होंने पूछा क्या कर सकते हो, मैं ग्रेजुएट हूं। तुम्हें क्या आता है, हम मेरे पास ग्रेजुएट हूं। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम क्या कर सकते हो। नहीं, बोले मैं ग्रेजुएट हूं, मेरे पास सर्टिफिकेट है। उन्होंने कहा भाई सर्टिफिकेट ठीक है, तुम ग्रेजुएट हो भी मान लिया, उसके लिए तुम्हें बधाई देता हूं, लेकिन तुम कर क्या सकते हो। तो चुप रहा। तो दादा ने पूछा, अच्छा बोलो भाई तुम्हें ड्राइविंग आता है। बोले नहीं। तुम्हें टाइपिंग आता है। बोले नहीं। तुम्हें रसोई पकाना आता है। बोले नहीं। कुछ नहीं आता है। नहीं नहीं मैं ग्रेजुएट हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, आने वाले युग में, आने वाले समय में और वर्तमान समय में भी सारी विश्व में दुनिया के किसी भी राजनेता को आप सुनोगे, वो एक बात पर बहुत आग्रह से बोल रहे हैं, दुनिया के सभी राजनेता, और वो अपने देश के भविष्य के लिए स्किल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। भाइयों बहनों, 65% पॉपुलेशन जिस देश में 35 से नीचे हो, ऊंची उड़ान के सपने हो, मजबूत भुजाएं हो, अगर उनके हाथ में हुनर दे दी जाए, स्किल दे दी जाए, उन्हें अवसर दे दी जाए, तो दुनिया को कहां से कहां ले जा सकते हैं। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट, दूसरी आवश्यकता है स्पीड। हम जो काम 10 दिन में करने चाहिए हम 10 साल लगा देते हैं। अगर नौजवान आता है तो गति आती है,
नौजवान आता है तो ऊर्जा आती है, नौजवान आता है तो रिस्क लेने की कैपेसिटी आती है। बूढ़ा आदमी रिस्क नहीं ले सकता, वो 50 बार सोचता है, उसको 50 चीजें याद आती हैं। एक बार एक बैदराज को उसकी पत्नी ने सब्जी लेने के लिए भेजा। बैदराज जानते हो ना, पुराने जमाने हमारे आयुर्वेद के जो डॉक्टर हुआ करते थे, ये डॉक्टर प्रोफेशन के यहां लोग काफी है। तो उनकी पत्नी ने बैजराज को सब्जी खरीदने के लिए भेजा। वो घंटे भर घूम करके वापिस आए और क्या किया, सिर्फ नीम के पत्ते लेकर के आए। तो बैजराज की पत्नी बड़ी नाराज हो गई, आप सब्जी लेने गए थे, क्या लेने आए? तो उनकी मुसीबत ये हो गई कि जब सब्जी के बाजार में गए, आलू देखा तो उनको लगा इससे ये डिसीज होता है, बैंगन देखा तो ये डिसीज होता है, भिंडी देखी तो ये डिसीज होता है, उनको हर चीज में डिसीज नजर आने लगा और इसलिए वो नीम की पत्ती लेकर के वापिस आए। भाइयों बहनों, ऐसे लोग निर्णय नहीं कर सकते हैं, और इसलिए नौजवान साहस कर सकता है, नौजवान हिम्मत के साथ फैसले कर सकता है। और तीसरी बात है स्केल। हम बहुत छोटे रूप में सोचते हैं।